नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट से टॉपिक पे होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट 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 रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, एंड दीज आर दिस वन डी कैथलॉन के। ये बहुत ही प्यारे से पेस्टल मिक्स कलर के अंदर ये शूज़ है, बहुत ही सुपर मुझे लगे, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग रिव्यू विथ यू। एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो गाइज, ब्रांड ने मुझे अप्रोच नहीं किया है, एंड वैसे भी मेरा चैनल कोई इतना बड़ा नहीं कि डी कैथलॉन मुझे अप्रोच करेगी। बेसिकली लास्ट मैंने ये डी कैथलॉन स्टोर पे देखे थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगे थे, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे। लाइक इसकी MRP है 3700, बट उस टाइम ना मेरी हिम्मत नहीं उनको परचेज करने की, बट घर आके ना मेरे माइंड में ये शूज़ ही चल रहे थे। मतलब वहाँ मैंने पहन के देखा था, इतना ज़्यादा कम्फर्ट था, इतने प्यारे लग रहे थे ना, तो लिटरली मैंने इसको फिर घर पे आके डी कैथलॉन की साइट पे सर्च किया था और मुझे वहाँ पे ये सेम जो मैंने वहाँ स्टोर के अंदर देखे थे वो मिल गए। तो मैंने ये ऑनलाइन परचेज किए हैं और ऑनलाइन शायद 200-300 रुपये डिस्काउंट था, 3400 का भी शो हो रहा है। सो ये है कुछ इस तरह के शूज़। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इनकी लगी, दिखने में तो ये प्रिटी है, आप लोगों के सामने है सीधे, मैं आपको दिखाऊंगी, इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, बट सबसे अच्छी चीज़ इनका जो कंफर्ट है, इनकी जो कुशनिंग अंदर दी हुई है ना, इतनी ज़्यादा सुपर्ब है। आई थिंक आप यहाँ से देख के पता कर सकते हो इतना ज़्यादा प्यारा है। मतलब जैसे आप चलोगे ना, आपको फील होगा कि ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला हील वाला, ये प्रेस हो रहा है, इतनी प्यारी इसकी कुशनिंग है। और आगे की साइड ना ये पूरा मैश लगा हुआ है, तो ब्रीदेबल रहता है, कम्फर्ट रहता है, मतलब आपकी टो को ये अच्छे से होल्ड करके रखेगा, ग्रिप बना के रखेगा, कि आप कितना भी रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग कुछ भी करो, आपको एकदम कंफर्ट फील होगा। लिटरली बताऊं, मुझे हील पेन की प्रॉब्लम है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती हूँ, तो ये जो शूज़ है इनको लेने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट लगा। एंड पीछे से मैं इसका सोल आपको दिखाऊं ना, थोड़े से गंदे हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज मैं घर पे जुम्बा करती हूँ तो मैं यही पहन के करती हूँ, तो थोड़ा सा ना डर्टी आपको लगेगा, बट इसका सोल आप देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मतलब इतना ये भी आप देखोगे ना, प्रेस होगा अच्छे से, मुझे आई थिंक आपको कैमरा से फील नहीं होगा, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो शायद फील होगा, सी दिस, मैं प्रेस कर रही हूँ ना, तो ये अच्छे से प्रेस हो रहा है, तो पूरा इसका ये वाला पार्ट है ना अच्छे से प्रेस होता है, सी दिस, इतना सॉफ्ट है। अंदर से इसकी जो कुशनिंग दी हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, इजीली आप घर पे जुम्बा कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, मतलब आप कुछ भी करो, बहुत ही प्यारे शूज़ मुझे ये लगे और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। सी द कलर, इसके अंदर आपको एक और कलर मिल जाएगा, थोड़े से डार्क कलर के अंदर है, मतलब वो ऑरेंज और रेड के कॉम्बिनेशन के अंदर है, एंड ये जो है ये लाइट कलर के अंदर है, पेस्टल कलर मिक्स के अंदर है, सो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी डिज़ाइन मुझे ये लगा, काफ़ी सुंदर है दिखने के अंदर और बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट है। सबसे बड़ी बात मुझे इसकी कंफर्ट लगी है, ग्रिप बना के रखता है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, मतलब आपको देख के पता चल रहा होगा कि जैसे मैं चल रही हूँ वैसे ये अच्छे से प्रेस हो रहा है, पीछे का ये पूरा पार्ट है ना अच्छे से आपको ऐसे प्रेस होता हुआ दिख रहा होगा, जिससे कि हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंफर्ट है। मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला शूज़, थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब अगर आप रीबॉक या फिर अदर ब्रांड्स के भी लेने जाओगे ना, तो 3000-4000 के अलावा आपको अच्छे शूज़ नहीं मिलेंगे। डी कैथलॉन पे लिटरली स्पोर्ट्स वेयर से रिलेटेड अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हो ना, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लुक एट दिस गाइस, कितने ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही कम्फर्ट है पहनने में, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, ग्रिप पावर बहुत अच्छी है, और इसका ये जो टंग पार्ट है ना आगे वाला, ये इतना ज़्यादा थिक है कि अगर आपकी कहीं लग भी जाती है, ठोकर लग जाती है, कुछ भी हो जाता है ना, तो भी आपके हार्म नहीं करेगा आपकी फिंगर्स को, इतना ज़्यादा सॉलिड है ये वाला मटेरियल। सिर्फ ये वाला सॉलिड पार्ट है इसका, बाकी पूरा सॉफ्ट के अंदर है। एंड इसकी इस चीज़ से आप पता कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा बाहर है, मतलब थोड़ा सा ये बाहर की साइड है, तो जैसे आपका पैर अंदर जाएगा ना, ये अच्छे से सपोर्ट करेगा आपके पैर को, मतलब और बाउंस प्रोवाइड करेगा, जिससे कि कम्फर्ट अपने आप आ जाती है। इसका फाइनल लुक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से पूरे दिखते हैं, आगे से लेके पीछे तक आप इसको अच्छे से देख सकते हो, कितना ज़्यादा प्रिटी है, एक शाइन है इनके अंदर। और ना सिर्फ आप इनको रनिंग, वॉकिंग या इस तरह से पहन सकते हो, अगर आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाते हो इसको आप वेयर करोगे, बहुत ही प्रिटी पीस लगेगा। एंड लिटरली इसको पहनने के बाद ना मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कहाँ से परचेज किए हैं, कैसे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर डाल देती हूँ। सो या गाइस, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो, डी कैथलॉन के स्टोर का लिंक, जो पर्टिकुलर ये वाले हैं, इनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी,
दूंगी, इनकेस अगर आपको परचेज करना है तो आप वहां से जाके कर सकते हो। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे मेरे बहुत ही प्रिटी से शूज जो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, उनका रिव्यू। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप डीकैथलॉन के शूज परचेज करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सो या गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर से कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।